बीजेपी के कहने पर भेजा समन, इसे अभी वापस ले एजेंसी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी के नोटिस पर नहीं हुए पेश, बोले ये राजनीति से प्रेरित। वही लेटर भेजकर पूछा, मैं संदिग्ध हूँ या गवाह, जांच एजेंसी जारी करे नया नियम। सीएम केसीआर ने जनता का जितना पैसा चुराया, कांग्रेस सबको उतना पैसा वापस लौटाएगी। राहुल गांधी बोले, तेलंगाना की महिलाओं के खाते में भेजेंगे 2500 रुपए, हर महीने 4000 का होगा फायदा। यूपीए को समर्थन देने के लिए हमने कितने पैसे लिए, एआईएमआईएम चीफ ओवीसी ने राहुल गांधी पर किया पलटवार, बोले पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अमेठी चुनाव फ्री में हारे या पैसे मिले। आजकल इंडिया गठबंधन में नहीं हो रहा कोई काम, कांग्रेस पार्टी नहीं दे रही ध्यान, वो 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में व्यस्त, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जताई नाराजगी। दिल्ली शराब घोटाले मामले में केजरीवाल सरकार के एक और मंत्री पर ईडी का सिकंजा, राजकुमार आनंद के घर समेत 9 परिसरों पर परिवर्तन निदेशालय की टीम ने की छापेमारी। देश में यूपीआई यूजर्स की बढ़ रही संख्या, लगातार तीसरे महीने हुआ 1000 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजेक्शन, अक्टूबर में 11 बिलियन के पार पहुंचा आंकड़ा। भारत अमेरिका की 2+2 वार्ता से चीन और पाक में मची खलबली, इस महीने भारत आएंगे अमेरिकी विदेश और रक्षा मंत्री जयशंकर राजनाथ सिंह से करेंगे मुलाकात। अपने फायदे के लिए बीजेपी ने मणिपुर को बांटा, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी का पीएम मोदी पर जोरदार हमला। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलनकारियों का फूटा गुस्सा, सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के पोस्टरों पर पोती काली। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन लगी इंतकाल अदालत, 74% से ज्यादा मामलों का हुआ निपटारा, सीएम सुखू बोले गुड गवर्नेंस के लिए गुड गवर्नमेंट का होना आवश्यक। लैंड फॉर जॉब्स केस में अब 29 नवंबर को होगी सुनवाई, आरोपियों ने 4 सीट की स्क्रूटनी के लिए मांगा समय, लालू राबड़ी और तेजस्वी ने जमा करवाया पासपोर्ट, कोर्ट की मंजूरी पर ही जा सकेंगे विदेश। अयोध्या में लगेगी दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रीन, भक्तों को 5 साल तक दिखाई जाएगी रामायण, राम मंदिर में भक्तों को राज्यवार कराए जाएंगे रामलला के दर्शन, हिंदी न समझ पाने वालों को मिलेंगे भाषा मित्र। कमलनाथ है भ्रष्टाचार नाथ और दिग्विजय सिंह बंटाधार, मध्य प्रदेश बीजेपी प्रमुख वीडी शर्मा ने कांग्रेस के जय वीरू पर उठाए सवाल। ऐसा कोई जिला नहीं जो मुजफ्फरपुर वालों से हिला नहीं, बिहार के मुजफ्फरपुर में पिस्टल लहराते रील बनाने पर नाबालिग लड़की को घर से उठा ले गई पुलिस। दिल्ली एनसीआर में सांस लेना हुआ मुश्किल, एक्यूआई पहुंचा 400, अभी और बढ़ेगा प्रदूषण, सरकार की सख्ती के बावजूद पंजाब में एक दिन में पराली जलाने के रिकॉर्ड 1921 मामले, जबकि हरियाणा में 100 से भी कम केस आए सामने। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तेलंगाना में बीजेपी के ओबीसी सीएम वाले वादे पर उड़ाया मजाक, केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी बोले यह है पिछड़े वर्ग का अपमान। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के लिए अनशन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने त्यागा जल, शिंदे सरकार को परिणाम भुगतने की दी चेतावनी। गाजा में भारतीय मूल के इजरायली सैनिक की मौत, हमास का सुरक्षा घेरा तोड़, गाजा शहर में घुसी सेना, जबालिया में 195 फिलिस्तीनियों की मौत। अगर आप केचुए को खोजने जाएंगे तो सांप निकलेगा, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बिना नाम लिए बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को दी कार्रवाई की चेतावनी। योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी के युवाओं को बांटे जाएंगे 25 लाख स्मार्टफोन और टेबलेट, 949 करोड़ रुपए से होगी खरीद। जम्मू कश्मीर में जल्द कर सकेंगे मेट्रो से वादियों का दीदार, एलजी मनोज सिन्हा ने किया ऐलान, 100 ई बसों को दिखाई हरी झंडी। महाराष्ट्र के औरंगजेब में ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्री पर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, 250 करोड़ के नशीले पदार्थ बरामद, जांच में चौंकाने वाले हुए खुलासे। यूपी के कानपुर में डेंगू मलेरिया के बढ़ते मामलों को लेकर कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, मच्छरदानी लेकर निगम कार्यालय पहुंचे, साथ ही निराकरण नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। गोरक्षक मोनू मानेसर की 50 दिन में बदली 3 जेल, 2 मुस्लिम युवकों की हत्या के मामले में फ्री में केस लड़ रहे वकील, बोले धर्म के काम में पैसे नहीं लेते।